आजमगढ़ के बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजमगढ़ जहरीली शराब कांड में हुई मौतों के मामले में सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आजमगढ़ के अहरोला थाने में रमाकांत यादव पर मुकदमा दर्ज है। खुद को निर्दोष बताते हुए सपा बाहुबली रमाकांत यादव ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखा और जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने निचली अदालत को मुकदमे का ट्रायल 6 माह में खत्म करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर मामले में ट्रायल देरी होती है तो याची हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में आजमगढ़ के अहरोला में जहरीली शराब से कई लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में रमाकांत यादव के रिश्तेदार रंगेश यादव समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जांच पड़ताल के दौरान रमाकांत यादव का नाम भी सामने आया था। पुलिस ने 20 सितंबर 2022 को रमाकांत यादव का नाम भी FIR में जोड़ दिया था। वहीं रमाकांत यादव को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दी गई है।